हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज न्यूक्लिक एसिड का तीसरा नंबर वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड देखा था। अब उसी को बेटा आज कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, देखेंगे न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, डेफिनेशन पूछा भी जाता है यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामों में। बायोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड, उसमें जो टॉपिक है हम लोग क्या पढ़े, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब ध्यान दो, जब शुगर प्लस शुगर मतलब पेंटोज शुगर, राइबोज शुगर या डीऑक्सी राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड जब यह तीनों कंपोनेंट, क्योंकि हमने बताया था कि जब न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड प्राप्त होता है। तो यह सब डिस्कशन में प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूं, आप देख सकते हैं जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं। तो जब तीन कंपोनेंट आपस में कंबाइन होते हैं, कौन कौन, शुगर और नाइट्रोजनस बेस, फास्फोरिक एसिड और शुगर, मतलब यह तीनों कंपोनेंट आपस में कंबाइन होंगे तो जो भी स्ट्रक्चर प्राप्त होगा उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो न्यूक्लियोटाइड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फास्फोरिक एसिड, ठीक है। अब ध्यान दो, शुगर और न्यूक्लियोसाइड को हम क्या बोल, सॉरी, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस को हम क्या बोल रहे थे, न्यूक्लियोसाइड। प्रीवियस वीडियो में बोलो न्यूक्लियोसाइड, याद आ रहा है। और इसी न्यूक्लियोसाइड मतलब इन दोनों को कंबाइन करके क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड, मतलब न्यूक्लियोसाइड में फास्फोरिक एसिड अटैच कर दे तो स्ट्रक्चर जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो न्यूक्लियोटाइड तीन कंपोनेंट से मिलके बना होता है और न्यूक्लियोटाइड ही न्यूक्लिक एसिड का मोनोमेरिक यूनिट होता है। बात समझ में आ रहा है। न्यूक्लिक एसिड इज ए टाइप ऑफ पॉलीमर, ठीक है ना, अभी बता रहा हूं, पॉलीमर है और वह पॉलीमर के जो मोनोमेरिक यूनिट होते हैं वह क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपोनेंट होते हैं, फास्फोरिक एसिड, शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएगा। अब ध्यान दो, न्यूक्लियोटाइड में दो प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बन सकता है। एक होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और दूसरा होता है फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड। अभी बता रहा हूं कैसे बनेगा, ठीक है। तो किसी भी न्यूक्लियोटाइड में किसी भी न्यूक्लियोटाइड में दो प्रकार का बॉन्ड होगा, फर्स्ट वन इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड सेकेंड वन इज फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कंपोनेंट एंड दीज कंपोनेंट आर फास्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस मीन्स प्यूरिन और पिरिमिडिन, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कैसे बनता है इसको थोड़ा ध्यान देते हैं, किसके किसके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है मैंने कल बताया था, किसके किसके बीच में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा उसको हम देखेंगे। बात समझ में आ रहा है। अब ध्यान दो, यह शुगर हो गया, यह एच हो गया, या NB मैं लिख रहा हूँ नाइट्रोजनस बेस, पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ। यहाँ पर एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, थायमिन हो सकता है, जो कुछ हो, या न्यूक्लियोसाइड जो हम लोग कल बात किए थे याद आ रहा है। तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा, ठीक है। अब यहीं पर देख लो भैया, यह क्या हो गया, H3PO4 फास्फोरिक एसिड, ठीक है। अब यहां से यह न्यूक्लियोसाइड और यहां से यह निकाल दो क्या, H2O, ठीक है, क्या निकाल दिए, H2, ठीक है। देखो यहां से H, यहां से OH, H2 निकल गया, देखो P डबल बॉन्ड O OH
ओ एच ओ, यह ओ होगा ओ सी एच टू एच ओ एच ओ एच एच, दिस इज द नाइट्रोजनस बेस. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज बोलो न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, दिस बॉन्ड को हम क्या बोल रहे हैं, इस बॉन्ड को हम बोल रहे हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. और एसिड और शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड. हो रहा क्लियर? तो न्यूक्लियोटाइड में जो दो बॉन्ड बन रहा था, जो मैंने अभी डिस्कशन किया आपसे बात किया है, वह बॉन्ड कौन से हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है. तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमेशा शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में बनेगा और फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड हमेशा शुगर और फास्फोरिक एसिड के बीच में बनेगा. ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका नाम होगा एएमपी. इन दोनों को मिलाकर बोलेंगे एडिनोसिन. एक फास्फोरिक एसिड है तो बोलेंगे एडिनोसिन मोनोफास्फेट. क्या होगा? एडिनोसिन मोनोफास्फेट. अरे भाई, शुगर और नाइट्रोजनस बेस एडिनिन रहेगा. अगर मान लो यहां पर क्या है, एडिनिन है. ठीक है, ग्वानिन होगा तो जीएमपी, ग्वानोसिन मोनोफास्फेट. समझ में आ रहा है? थाइमिन होगा तो टीएमपी, थाइमिन मोनोफास्फेट. मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस आधार पर हम नामकरण करेंगे. आओ देखते हैं एटीपी का स्ट्रक्चर. एटीपी भी एक न्यूक्लियोटाइड है, इसी बना देते हैं. ईएन पूरा बना देना, कहोगे एनएस टू ईएन सी. ठीक है, यह क्या हो गया, एडिनिन शुगर और फास्फोडाइस्टर बॉन्ड या एएमपी हो गया. अब यहां पर देखो, एक फास्फोरिक एसिड डाल लो, एक और दो, एक और ले लो. ठीक है, फिर यहां से क्या निकलेगा, H2O निकल जाएगा. सीधे मैं बना दे रहा हूं. ठीक है, एक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड यह बन गया, यहां से H2O निकल गया. तो यहां पर एक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड. यहां पर भी यह क्या हो जाएगा, फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड. ठीक है, यह स्ट्रक्चर हो जाएगा एटीपी, एडिनोसिन एक दो तीन ट्राइफास्फेट. यह किसका हो जाएगा, एटीपी का स्ट्रक्चर. एटीपी इज अ न्यूक्लियोटाइड. बात समझ में आ रहा है? एडिनोसिन ट्राइफास्फेट. तो न्यूक्लियोटाइड ही क्या होता है, तीन कंपोनेंट से मिलके बना होता है, शुगर नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड. मिटा रहा हूं. ठीक है, अब यही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड कंडेंसेशन करेंगे, मोर देन वन न्यूक्लियोटाइड, एक से ज्यादा. सो कंडेंसेशन रिएक्शन फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल और पॉलीमर भी बोल दो उसको, और पॉलीमर नोन एज क्या बोलेंगे, पॉली न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, तो जब बहुत सारे, जैसे मान लो यह एक न्यूक्लियोटाइड हुआ, यह एक न्यूक्लियोटाइड हुआ, यह न्यूक्लियोटाइड हुआ, यह न्यूक्लियोटाइड हुआ, आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन करेगा. मतलब कंडेंसेशन मतलब क्या होगा, किसी मॉलिक्यूल का इलिमिनेशन हो, H2O का इलिमिनेशन होगा. अभी दिखा रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, H2O का इलिमिनेशन होगा. तो एक बड़ा सा क्या बनेगा, एक बड़ी सी लार्ज या पॉलीमर बनेगा. इसी को हम क्या बोलेंगे, पॉली न्यूक्लियोटाइड. तो पॉली न्यूक्लियोटाइड का जो मोनोमेरिक यूनिट होता है वह क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है. और एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चैन को क्या बोलेंगे, एक न्यूक्लिक एसिड. यह आपस में अरेंज होकर डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा. ठीक है, अब आओ, कोई दिक्कत, बहुत आसान है, नोट्स में है सब कुछ.
एक एक न्यूक्लियोटाइड बना दिखा दे रहा हूँ और कंडेंसेशन रिएक्शन, आओ बस दो मिनट। ये एक न्यूक्लियोटाइड हुआ, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड, ठीक है। एक और ले लो, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। फिर और ले लो, या तीसरा न्यूक्लियोटाइड, एक से ज़्यादा हो गया। नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5, फिर ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। कुछ नहीं करना है, यहाँ देखो कंडेंसेशन, यहाँ से H2O, यहाँ से H2O निकल जाएगा, देखो H2O का एलिमिनेशन हो रहा है ना, ठीक है। अब ध्यान दो, फिर बना दे रहा हूँ मैं, देखो लास्ट में यहाँ पर क्या आएगा, 5 डैश, और यहाँ पर क्या आएगा, 3 डैश, ठीक है। तो ये एक लंबी सी चैन बन रही है जिसका एक सिरा क्या होगा, 5 डैश, और एक सिरा क्या होगा, 3 डैश। हमेशा एक 5 डैश होगा और एक हमेशा क्या होगा, 3 डैश, या तो 3 डैश होगा या तो 5 डैश, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन रहेगा क्या, 5 डैश और 3 डैश। और इस लंबी सी चैन को क्या बोलते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो यह न्यूक्लियोटाइड हो गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया, याद रखिएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड हमेशा कंडेंसेशन रिएक्शन से बनता है। न्यूक्लियोटाइड आपस में कंडेंस होगा और H2O मॉलिक्यूल का इलिमिनेशन होगा। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो पॉलीमर होगा, उस पॉलीमर का मोनोमेरिक यूनिट क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड होंगे, ठीक है, क्लियर हो रहा है। और न्यूक्लियोटाइड का डायरेक्शन होगा, एक हमेशा 5 डैश, एक 3 डैश, या इसी को उल्टा कर दें, इधर ऊपर कर दें, इसको नीचे कर दें, तो हमेशा 5 डैश तो 3 डैश होगा, ठीक है। और यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन अरेंज होंगे तो DNA और RNA का स्ट्रक्चर देंगे, जो आगे वीडियो में आपसे डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।